नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजेंद्र राजपूत। आप देख रहे हैं बीबीएम न्यूज। स्वागत है आपका एनसीआर टाइम्स में। रो करेंगे फरीदाबाद और पलवल की तमाम खबरों के लिए। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में फरीदाबाद की इकाई के विश्व बाल श्रम निषेध पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतिम दिन NITAC नगर के स्लम क्षेत्र में बाल श्रम को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए रैली के साथ साथ नुक्कड़ नाटक भी किए गए, ताकि बाल श्रम से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में लोगों को पता लग सके। बाल श्रम परियोजना की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रुक्मणी और प्रोग्राम मैनेजर शिव कुमार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आशा वशिष्ठ और प्रेम वाला मौजूद रही, जिनका प्रोजेक्ट डायरेक्टर रुक्मणी ने पौधा भेंट कर स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान पहले पूरे स्लम क्षेत्र में रैली निकाली गई और उसके बाद नुक्कड़ नाटक किए गए। उसके बाद सभी बच्चों को मुख्य अतिथि आशा वशिष्ठ और प्रेम वाला ने सम्मानित किया। वहीं राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना फरीदाबाद के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रुक्मणी ने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरे देश में बाल श्रम रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए एक सप्ताह का पखवाड़ा चलाया गया था, जिसका समापन किया गया है। फरीदाबाद की तरफ से अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम 11 तारीख से चलाया जा रहा है और आज इसका एक अंतिम दिन है। इस कार्यक्रम के तहत हमने AC नगर में एक अवेयरनेस रैली करी, जिससे यह संदेश दिया गया कि हमें बाल श्रम नहीं करवाना चाहिए। साथ ही साथ चाइल्ड लाइन की टीम की तरफ से 1098 के बारे में बताया गया और एक नुक्कड़ नाटक का भी मंचन किया गया। भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय इस तरीके का एक सराहनीय कार्य